ट्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन परेशान, सीएम धामी ने किया आश्वस्त, कहा उत्तराखंड वासियों को लाने का किया जा रहा प्रयास। वहीं दिनेशपुर में पूर्व विधायक ने अमन राय के परिजनों से की मुलाकात, परिजनों का किया आश्वस्त, कहा भारत सरकार से बच्चों को वापस लाने का करेंगे अनुरोध। पौड़ी में मेडिकल कॉलेज के 4 कर्मियों को नौकरी से निकाला, कर्मचारियों में बढ़ा आक्रोश, दोबारा बहाली की उठी मांग। पौड़ी में अपर मुख्य अधिकारी पर लगा आरोप, जिला पंचायत अध्यक्ष का शांति देवी ने लगाया आरोप, कार्यों में अनियमितता आने की कही बात। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ काविद चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर उनके परिजन परेशान हैं, लगातार भारत सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वासियों को आश्वस्त किया और कहा कि वो लगातार विदेश मंत्रालय से संपर्क कर रहे हैं और बाकी फंसे उत्तराखंड वासियों की वतन वापसी के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्र घर आने के लिए भारत सरकार के प्रयासों का इंतजार करते हुए बंकरों में रात गुजारने को मजबूर हैं। इस दुख की घड़ी में क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन अमन राय के परिवार का हालचाल जानने पहुंचे। इस दौरान प्रेमानंद महाजन ने कहा कि भारत के कई स्थानों से पढ़ाई करने के लिए छात्र यूक्रेन में गए हैं, जहाँ आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, जिसपे हमारे देश के बच्चे फंस गए हैं। भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्द सब बच्चों को देश में वापस लाया जाए। लड़का तो 2019 में गया था MBBS के लिए, वो खरकी नेशनल इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से वो तीसरा ईयर है और ईद छिड़ गया वहाँ पे, और वो जिस खरकी सिटी में है वहाँ भयमारी स्थिति है, बहुत भयंकर स्थिति है। वो रात को तो बंकर में बिताते हैं, दिन में थोड़ा बहुत जो खाना वाना इधर उधर से लेके आके खा के फिर बंकर में जाते हैं। स्थिति इतना भयंकर है कि वहाँ का जो एम्बेसी वगैरह वो उसको संज्ञान भी कम ले रहे हैं ना, वहाँ के जो 4-5 हज़ार बच्चे और भी है उनको भी कोई सूचना ना कुछ देता ना उसके पास कोई आता है ना कोई वो करता है। दीपंकर राय जी का जो बेटा है वो हमारे क्षेत्र का बेटा है, हमारा भी बेटा है, बाकी हमारे आपको बता दूं कि ये मेरे क्लास फ्रेंड भी हैं, हम लोग एक साथ पढ़ते थे और बेटा वहाँ गया है, तो सबको लिए वो आदरणीय है, प्यारा है। आज उसके परेशानी से हम लोग सब लोग दुखी भी हैं और पूरा इलाका कहीं ना कहीं चिंतित है। और युद्ध में जो अचानक जो युद्ध शुरू है उससे एक भयावह स्थिति पैदा हुआ है और सब बच्चे घर आना चाहता है, तो इस समय भारत सरकार को अभी कल कुछ एक 250 बच्चे शायद कल आए हैं, पौड़ी में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 4 आउटसोर्स कर्मियों को काम से हटा दिया है, जिससे कर्मियों में मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। कर्मियों का आरोप है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से हटाया गया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से फिर से बहाली की मांग की है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य CMS रावत ने कहा कि 4 को आउटसोर्स कंपनियों को वापस भेजा गया है, कॉलेज में आवश्यकता अनुसार आउटसोर्स कर्मियों को बुलाया जाता है। हमें नहीं पता किस कारण हमें हटाया गया है, हमें ना ही लेटर पढ़ने के लिए दिया गया है, हमें कहा गया है कि ये गोपनीय लेटर है, ये हम आपको पढ़ने के लिए नहीं दे सकते हैं, और हमें कुछ भी पता नहीं है किस कारण हमें हटाया गया है। मैं इस मेडिकल कॉलेज में कोविड काल में मैं लगा हुआ था, और जब से हमारी कोविड काल में नियुक्ति हुई है तब से यहाँ पे जो मृत्यु दर है वो बहुत कम हो चुकी थी। इससे पहले मृत्यु दर में और उसके जब से हमें लगाया गया कोविड में नियुक्ति की गई उसके बाद की मृत्यु दर में अंतर देख लीजिए, क्योंकि हमारे लगने के बाद हमने यहाँ पे मरीज की सेवा की है, जितने भी यहाँ पे कोविड काल में आए हुए लोग थे उनकी हमने अच्छी तरह से देख रेख की है और उस दिन से मृत्यु दर घटी है। उसके बाद बीच में ये थोड़ा
दल बदल का सिस्टम शुरू हो गया कि कांग्रेस चुनाव सामने आ गए हैं, और मेरा इस समय मेरा अपना मन था कि मैं व्यक्तिगत गणेश गुजराल जी या कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा, वोट दूंगा मैं। जब प्रशासन तो हम सबसे पहले इसकी मांग करते हैं कि हमें किस कारण से हटाया गया, ना हमें कोई नोटिस मिला, ना हमें कुछ मिला, ना हम पे कारण दिया गया। हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि हमें किस कारण से हटाया गया, और हमें HOD द्वारा सिर्फ ये बोला गया है कि आपको प्रिंसिपल साहब ने इस कार्यालय इस स्थान से कार्यमुक्त कर दिया गया, जबकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च 2022 तक था, जो कि अभी कुछ समय पहले रिन्यू हुआ है हमारे चीफ सचिव डॉक्टर पंकज पांडे द्वारा। लक्सर SDM वैभव गुप्ता ने ब्लॉक कमांडर विकासखंड खानपुर मदन पाल सिंह को प्रशस्ति पत्र दिया। मदन पाल सिंह ने बताया कि ये प्रशस्ति पत्र उनको विभाग में सभी कामों को तेजी से करते हुए ड्यूटी के प्रति अपना शत प्रतिशत योगदान देने और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया गया है। तो SDM वैभव गुप्ता ने आज प्रशस्ति पत्र दिया, मदन पाल सिंह को यह प्रशस्ति पत्र मिला है। इनको प्रशस्ति पत्र मिला है, इनके पूरे साल के लिए इनका कार्य जो है बहुत ही शेष रहा है, और ये एक अपने आप में बाकी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। मेरा यही सभी जो PRD के हमारे जो है कार्मिक है उनसे यही अनुरोध रहेगा कि वो सभी इनसे प्रेरणा ले और आगे अपना शत प्रतिशत देते रहें। PRD का जो एक जो हमारा जो सर्विस है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि पब्लिक में जो भी काम होते हैं हमारे PRD के और होमगार्ड के माध्यम से ही होते हैं, तो इन सभी को भी इसी प्रकार से डिसिप्लिन रहेंगे, तो ये सभी आप भविष्य में इसी प्रकार के प्रशिक्षण पत्र हासिल करेंगे। आपके चैनल को अपने उच्च अधिकारियों को धन्यवाद और बधाई देनी चाहता हूँ कि मुझे इस जिम्मेदारी जो मिली है काम के लिए विभाग के जो जिम्मेदारी अधिकारियों ने दी थी उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं अपने काम में रात दिन और मेहनत से कार्य किए हैं। जैसे कि हमारे PRD जवानों की छुट्टी के संबंध में समय से इनकी तनख्वाह बनानी, दूसरी बात हमारी जो है ये युवक मंगल दल महिला मंगल दल इनके फार्म भरने, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से युवक मंगल दलों और महिला मंगल दलों के लिए कुछ धनराशि इनके अकाउंट में देनी थी, उसके लिए अकाउंट खुलवाने थे, वो मैंने समय से पहले ही जैसे आदेश मिला मैंने तुरंत एकदम से उसका मैंने अपने अधिकारियों का आदेश प्राप्त होते ही मैंने तुरंत कार्रवाई की। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बसेड़ी खादर गांव से लक्सर चिकित्सा अधिकारी को सूचना मिली कि गांव के एक परिवार में बच्चों की मौत हुई है, उसी परिवार के और भी बच्चे बीमारी से ग्रस्त हैं। वहीं सूचना पाते ही तुरंत लक्सर CHC डॉक्टर अनिल वर्मा और बाल रोग विशेषज्ञ बीमारी से ग्रस्त परिवार की जाँच करने गाँव पहुंचे, बीमारी से ग्रस्त बच्चों की जाँच की। जानकारी देते हुए लक्सर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि जो एक ही गोत्र में अपने रिलेशन में शादी कर लेते हैं तो उनके बच्चों में ये बीमारी जेनेटिक है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये मीडिया के द्वारा ही पता लगा था कि बसेड़ी गांव में एक मुस्लिम परिवार है और वो उनके कुछ बच्चों की रहस्य में मौत हुई, तो मैं और बाल रोग विशेषज्ञ हम दोनों ने जाकर के उस परिवार के पास मिले। हमने उनको बताया कि भाई पूरी हिस्ट्री ली, तो उनके बच्चों में एक तरह से ये जेनेटिक है बीमारी जो एक ही गोत्र में और जो अपने रिलेशन में शादी कर लेते हैं उन लोगों में ये पति हुआ, और एम्स के लिए हम लोगों ने पेपर देखे, एम्स और जोलीग्रांट उन्होंने भी इसको लिखा जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है उसके लिए एक्सरसाइज उन्होंने बताई, और भाई उनको इंजेक्शन जिंक विंक और बताने के लिए खाई ताकि और बच्चे उन्हें सुरक्षित रहें। जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी शांति देवी ने जिला पंचायत के ही अपर मुख्य अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। शांति देवी ने बताया कि जब से अपर मुख्य अधिकारी की तरफ से पौड़ी में अपना कार्यकाल संभाला गया तब से उनके कामों में लगातार अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि अपर मुख्य अधिकारी की तरफ से प्रशासनिक और विकास के कार्यों के संबंध में ना तो उनसे सलाह ली जाती है और ना ही उनके संज्ञान में कोई बात रखी जाती है, जिसके कारण विकास कार्य लगातार प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, इस संबंध में मेरी अपर मुख्य अधिकारी से भी वार्ता हुई, मैंने उनसे कहा, कई बार कहा, और मैंने पत्रचार से माध्यम से भी बात हुई कि भाई आप अपनी मनमानी तरीके से काम मत करो, तो उनके हर बार मेरे बोलने से फिर भी वो अपनी मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, वो अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं समझ रहे हैं और कभी भी मनमर्जी तरीके से अपने घर छुट्टी चले जा रहे हैं, कहीं भी चले जा रहे हैं। मैंने जब उनसे फ़ोन में भी बात कर रही हूँ तो वो मुझे बता रहे हैं कि मैं ऑफिस में होते हैं और कहीं और चले जा रहे हैं, और बिना मेरे संज्ञान में लिए वो छुट्टी जा रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे
मेरे सम्मान की लड़ाई है और मुझे सम्मान चाहिए इस बारे में। और मैंने उनको इस संबंध में एक लेटर भी दिया कि मैं आपका वेतन रोक रही हूँ क्योंकि आपके ऐसे ये मनमाने तरीके नहीं चलेंगे। वही उधम सिंह नगर के जसपुर कुतवाली क्षेत्र में पति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी। वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। थराली में दो बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान शिविर का आयोजन किया गया जहां पर चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति की तरफ से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। ये पोलियो का अभियान पूरे पिंडर घाटी के 3 विकास खंड में चलाया जा रहा है जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारा जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है ये हमारा पूरे भारतवर्ष में जो आज चल रहा है पल्स पोलियो प्रोग्राम, इसमें हमारे ब्लॉक के अंतर्गत हमारे द्वारा 51 बूथों का पर पल्स पोलियो जो पिलाया जा रहा है। इसमें हमारे कुल 104 बूथ कर्मी लगे हुए हैं और अन्य हमारे 17 हमारे सुपरवाइज़र हैं, 2 हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और 1 हमारे नोडल ऑफिसर हैं और कुल हम लगभग 3000 बच्चों को हम लक्ष्य रखा हमने पल्स पोलियो पिलाने का। आज 27 फरवरी को पोलियो का प्रथम चरण है और ये 3 दिन तक चलेगा। दूसरे दिन होम विजिट होगा और तीसरे दिन मकानों पे नंबरिंग होगी। आज हम यहाँ पे अभी 70 डोज पिला चुके हैं बच्चों को, जिस बच्चे यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसमें से 70 हो चुके हैं। थराली के पिंडर घाटी में 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व पर शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए बड़े शिव मंदिरों में कई तरह से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस अवसर पर रात्रि जागरण, कीर्तन, भजन और रंगारंग सांस्कृतिक गतिविधियों की तैयारियों को संपन्न कराने के लिए मंदिर समितियां आज से ही तैयारियों में जुटी हुई हैं। महाशिवरात्रि के पावन पुनीत अवसर पर जैसा कि देवाल में एक भव्य कथक का आयोजन होता है, इस वर्ष भी देवाल व्यापार संघ और मेला कमेटी संयुक्त रूप से एक विशाल और भव्य देवाल कथे का आयोजन यहाँ पर करने जा रही है। आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे कि मेले की तैयारियाँ अपने जोरों शोरों पर हैं और लगभग 3 ब्लॉक की जनता इस मेले में प्रतिभाग करती है और अन्य प्रदेशों से भी व्यवसायी बंधु यहाँ आकर अपने अपने स्टॉल लगाते हैं और सांस्कृतिक छटा के साथ साथ यहाँ पर व्यवसाय और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु यह मेला हमेशा कारगर साबित हुआ है और इस वर्ष इसकी जोर शोर से तैयारियां अपने चरम पर है। हरिद्वार कोतवाली ज्वालापुर में तैनात कांस्टेबल यशपाल को हरियाणा की यमुना नगर पुलिस ने रकम दोगुना करने वाले गैंग के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी सूचना हरियाणा पुलिस ने एसएसपी हरिद्वार को भेजते हुए यशपाल को जेल में बंद बताया है। बता रहे हैं कि कांस्टेबल की करतूत से पुलिस महकमे पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। यूक्रेन में फंसे रुद्रप्रयाग के 4 छात्रों के परिजन परेशान हैं, भारत सरकार से उनके बच्चों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों से फोन पर बातचीत होने पर उन्होंने बताया कि वो पानी के लिए भी तरस गए हैं, भूख प्यास से हालत खराब हो गई है, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं जिले का एक और व्यक्ति भी यूक्रेन में फंसा है, उसकी जानकारी भी मिल रही है, उसकी भी अपने परिजनों से बात हो रही है। भारत सरकार से सभी लोगों को वापस लाने की लगातार गुहार लगाई जा रही है। मैं उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग से हूँ। मेरा बेटा भी कीव, यूक्रेन के कीव शहर में है। विगत कई दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण सभी भारतीय बच्चे बंकरों में फंसे हैं और मेरी भी कल 1 बजे से अपने बेटे से बात नहीं हो पाई। मैंने इधर उधर और बच्चों से जब संपर्क किया, उनके गार्जियनों से संपर्क किया, तो यह बताया जा रहा है कि लगातार वहाँ पर बमबारी, गोलाबारी, मिसाइल जारी हैं। क्षेत्र में चारों ओर धुआं ही धुआं है। बच्चों के पास पानी भी नहीं है, खाने के लिए राशन भी नहीं है।
और यही रहा तो एक दिन में कुछ बचने वाला नहीं है। चारधाम यात्रा को सकुशल और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए ऋषिकेश में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। एसडीएम ऋषिकेश ने शहरी स्तर पर तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक की व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लेकर कई निर्देश दिए हैं। व्यवस्थाओं के बारे में 28 मार्च को गढ़वाल कमिश्नर अधिकारियों से इस संबंध में जवाब तलब भी करेंगे। आगामी चारधाम यात्रा की प्रेपरेशंस में 28 तारीख को हमारे आयुक्त महोदय द्वारा भी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। उसी के क्रम में आज ऋषिकेश स्तर पर हमने समस्त विभागों को बुलाकर आपका AIRTO, हेल्थ विभाग, पुलिस, जल निगम, PWD और सभी भी जितने भी रेलिवेंट विभाग हमारे रहते हैं सबको बुलाकर एक तैयारियों का अभी तक का जायजा लिया और आगे क्या कार्य योजना रहेगी। यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहे संग्राम में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल भारत लाने के लिए उनके परिजन लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच विदेश मंत्रालय की तरफ से चलाए जा रहे निकासी अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के 3 बच्चे आशुतोष पाल, अदनान खान और खुशी सिंह यूक्रेन से भारत सकुशल वापस आ गए हैं। वहीं भारत वापस लौटे छात्रों ने इस दौरान भारत सरकार का आभार भी जताया है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश और बर्फबारी का अनुमान सही साबित हुआ है। चमोली में निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। वहीं बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब के साथ साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर से बर्फबारी हो गई है। देवाल ब्लॉक के ब्रह्मपाल बेदनी, दसौली ब्लॉक के पनाई रानी, घाट ब्लॉक के रामाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों में जो उच्च हिमालय क्षेत्र हैं चमोली जनपद में वहाँ पर बर्फबारी देखी गई है, तो उसमें जो भी हमारे मोटर मार्ग हैं उसमें संबंधित हमारे जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द उनको क्लियर करके उनको ओपन करें। साथ ही साथ नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायत हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि अलाव या अन्य जो कंबल वितरण की व्यवस्था है उसको पूर्व की भांति सुचारू रखें। सितारगंज में प्राचीन भूमिया दुर्गा देवी मंदिर के स्थापना दिवस पर नगर में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान शिव पार्वती बने कलाकारों का नृत्य आकर्षक रहा। कलश यात्रा मंदिर से शुरू होकर नगर के मुख्य चौराहा होते हुए मौनी बाबा शिव मंदिर पहुंची। अति हर्षोल्लास से यह कलश यात्रा निकल रही है और कल जो है भंडारा का आयोजन है। यह जो है कि इंटर कॉलेज में जो हमारा देवी माँ का मंदिर है वहाँ से लेके मौनी बाबा मंदिर में आप लोग देखिए ये सब जो है कि जल इन्होंने यहाँ से भर लिया। पूरे नगर में प्रभात फेरी निकल रही है, आप देखिए हर्षोल्लास का ये समय है। सभी लोग एकजुट होकर इसमें शामिल हुए हैं और मैं सभी नगरवासियों को जो है कि इस पर्व पर बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।